वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, मैं इरफान, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जेसीबी 3DX। इस वीडियो में आपको जेसीबी ऑल पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। ऑल पार्ट्स नहीं, मैं जितने मुझे जानकारी है मैं उस पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो जैसे आप लोग वीडियो में देख सकते हो, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो यहां से आपका स्टार्ट करते हैं। ये तो नंबर एक आपका, ये आपका स्टेबलाइजर हो गया। इसके अंदर में चार पैड होता है, 1, 2, 3, 4, चारों साइड में चार पैड होता है, प्लास्टिक का अंदर में पैड होता है। जब इसका रिपेयरिंग होगा तब मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसमें पैड कैसा होता है। प्लास्टिक का अंदर पैड होता है। ये आपका कैपेसी हो गया, कैपेसी जस्ट इधर और उधर में खाली जगह है। जैसे मैं कैमरा मैन को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका इधर में भी जगह है, जस्ट कैपेसी इधर और उधर होगा, ठीक है। ये आपका हो गया कैपेसी लॉक, जहां मुझे जानकारी, ये कैपेसी लॉक है, अंदर में एक स्विच होता है जिससे कैपेसी आपका लॉक करके रखेगा। ये पूरा एरिया आपका कैपेसी हो गया। ये आपका हो गया चापा, ये आपका हो गया चापा हो गया। इसमें चापा का 3 बोल्ट इधर है, जस्ट 3 बोल्ट उधर भी है, मेरा न्यू है, मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ। ये आपका चापा का बोल्ट है, कभी अगर आपका ढीला हो जाता है ये बोल्ट, तो आपको बताना होगा कि मेरे चापा का बोल्ट ढीला हो गया। ये आपका हो गया कैपेसी का पाइप, कि पाइप कितना है, 3, इधर देख रहे 1, 2, 3, उधर भी जस्ट 3 है, 6। और ये आपका हो गया स्विंग सिलेंडर, ये आपका जस्ट दाएं का स्विंग सिलेंडर हो गया, स्विंग सिलेंडर का रैम। ये आपका स्विंग सिलेंडर, मान लिया 1 और 2, माने दाएं और बाएं साइड का स्विंग सिलेंडर है। कभी आपका अगर पाइप फट जाता है यहाँ पर ही, या आपका स्विंग सिलेंडर करने में दिक्कत होता है, यहाँ से लीकेज वगैरह होता है, तो आप बोलोगे कि मेरा स्विंग सिलेंडर का लीकेज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये पूरा एरिया आपका हो गया कैपेसी, ये आपका हो गया बूम लॉक, ये आपका हो गया बूम लॉक, ये आपका हो गया बूम स्टॉपर, ये हो गया आपका बूम, ये आपका बूम सिलेंडर हो गया। जो बूम, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहा है, 2 सिलेंडर है, ये आपका डीपर सिलेंडर हो गया, वो आपका अपर सिलेंडर हो गया। इससे बूम नीचे, इससे ऊपर, माने अप डाउन बूम को करेगा पूरा बकेट के साथ में। बहुत लोग इसे डीपर भी कहते हैं। ये आपका स्टिक हो गया और ये हो गया स्टिक का सिलेंडर, इसे स्टिक को अप और डाउन करेगा, यानी डीपर को अप और डाउन करेगा। ये उसका रैम्प हो गया, ये उसका आपका रैम्प हो गया। और ये हो गया आपका कनेक्टिंग, इसे बकेट को खोल बंद करने में ये जो पूरा एरिया है मदद करता है। ये तो आपका हो गया पिन, जस्ट आप देख रहा है आपका मेन पिन, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इसका मेन पिन हो गया, ये आपका बकेट हो गया। जैसा आप लोग वीडियो में देख रहा है, ये आपका रिंग कॉलर हो गया, ये आपका रिंग कॉलर हो गया। सब में नहीं होता है, लेकिन जिसमें जिसमें होता है, ये आपका कभी अगर हरा जाए तब कैसे क्या बोलोगे। ये आपका रिंग कॉलर हो गया, ये आपका लॉक बोल्ट, ये आपका लॉक बोल्ट, इसमें 17-18 नंबर रेंच लगेगा। जैसा आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये आपका दांता हो गया, जैसा कि आगे में भी रहता है, पीछे में 5 दांता रहता है, तब हमेशा ध्यान रखें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल, इतना मेहनत किया उसके लिए एक लाइक जरूर करें। मैं आपको बता दूं कि आप अगर न्यू ऑपरेटर हो या जिसे भी मैं हेल्पर करना चाहते हो, तो मेरी ऐसी ऐसी वीडियो है कि आप देख करके बहुत कुछ सीख जाओगे, लेकिन सीखना अपने हाथ में है, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चाहिए। इसीलिए आप मेरी और भी ऐसी वीडियो अगर चाहते हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं।